इस साल के लास्ट मंथ ऑफ जून में बहुत सारा ओटीटी एंड थिएटर कंटेंट रिलीज हुआ। जहां थिएटर्स में हिंदी मूवीज कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाई, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड बाकी इंडियन मूवीज को रिलीज करते हुए धमाल मचा दी। तो उसी ढेर सारे कंटेंट में से आपके लिए चुनके टॉप 20 बेस्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन मसाला मूवीज एंड वेब सीरीज इकट्ठी करके लाया हूं आपके लिए, जो सभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हैं। सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आपके हालचाल? वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो जैसे कि हमारी फैमिली अभी 50,000 के ऊपर हो चुकी है, तो अगर आप इस फैमिली का अभी भी हिस्सा नहीं हो तो अभी नीचे दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें। और ऐसे ही एंटरटेनमेंट अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करें, जहां डेली रिलीज हुए या बड़ी अनाउंसमेंट इमीडिएटली पोस्टर के साथ अपलोड करता हूं और साथ में आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी करता हूं। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 20 पे है 2 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई जून मंथ की पहली बढ़िया क्राइम थ्रिलर हाइस्ट वेब सीरीज 9 आवर्स, जिसको 2 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया गया, जिसमें कहानी होने वाली है तीन चोरों की, जिनका मिशन है 3 बैंक्स को लूटना, लेकिन उनके पास सिर्फ 9 घंटे होते हैं। नंबर 19 पे है एक सच्ची कहानी वाली स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल अवार्ड विनिंग मूवी जंगल कराई, जिसे काफी टाइम पहले स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया था और इस मूवी ने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं अभी तक, जिसमें अभय देओल मेन रोल में है, जिसमें इंडिया के उन 12 बच्चों की कहानी है जिनके अंदर एक गोरे स्पोर्ट्समैन को रग्बी खेलने का हुनर दिखता है। नंबर 18 पे है आश्रम 3, जिसकी कहानी को सीजन 3 में बस सेटअप ही किया गया और असली थ्रिल तो इसके सीजन 4 में देखने को मिलने वाला है, जिसकी अभी तक रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, जिसके बारे में आगे मैं आपको अपडेट देता ही रहूंगा टाइम टू टाइम। नंबर 17 पे है Amazon Prime की एक बैड एस सुपर हीरो हिंदी वेब सीरीज द बॉयज का सीजन 3, जिसे भी 3 जून को Amazon Prime पे हिंदी डब में रिलीज किया गया, जिसमें इस बार होमलैंडर, जो इसी सीरीज का एक सुपर हीरो है, प्यार में पड़ने के बाद अच्छाई के रास्ते पे चलने वाला है, लेकिन उसके साथियों को ये मंजूर नहीं है, तो दुश्मनों के साथ साथ अभी उनकी आपसी जंग भी होने वाली है। नंबर 16 पे है मार्वल्स की डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ टीनेज सुपर हीरो वेब सीरीज मिस मार्वल, जिसे 8 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब में रिलीज किया गया और हर हफ्ते इसके एक एक करके एपिसोड रिलीज किए जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारे इंडियन एक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। और अभी अभी एंट्री हुई है बॉलीवुड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर फरहान अख्तर की, और इस सीरीज की शूटिंग US के अलावा पाकिस्तान में भी की गई लगती है, ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन से जो पता लगता है, लेकिन इस सीरीज की कहानी अभी तक वहां पहुंची नहीं है, जिसके लिए हमें आगे वाले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 15 पे है आजकल की सो कॉल्ड न्यूज चैनल की सच्चाई को दिखाने वाली मूवी द ब्रोकन न्यूज, जिसे 10 जून को Z5 पे रिलीज किया गया, जिसकी कहानी नहीं बल्कि आज तक या कल तक या फिर अर्णब गोस्वामी जैसे जोकरों की कैमरे के पीछे की जिंदगी दिखाने वाली है, जहां पे समोसे में आलू कच्चा है या पक्का इस पे भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, और कैसे आजकल के ये चैनल न्यूज बताते नहीं बनाते हैं, जहां पे 2 घंटे की खबरें 24 घंटे में दिखाई जाती हैं। नंबर 14 पे है बॉलीवुड की रणवीर सिंह के साथ न्यू कॉमेडी ड्रामा मूवी जयेश भाई जोरदार, जिसे 10 जून को Amazon Prime पे रिलीज किया गया, जिसकी कहानी में एक गुज्जू भाई को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पोता चाहिए होता है, लेकिन घंटी बजाते हुए फिर से एक पोती आ जाती है, तो जयेश भाई अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर से भागने वाला है। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की सुपरहिट क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज का सीक्वल शी का सीजन 2, जिसे 17 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया, और ये इस बार का सीजन कंपेयर टू द सीजन 1, मतलब कहानी में ऐसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जो सोचे भी नहीं जा सकते। कुल मिलाकर जून मंथ की ही नहीं बल्कि 2022 की वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वेब सीरीज रही है ये, जिसमें कांस्टेबल भूमि फुल प्रोफेशनल स्पाई मोड में चली गई है और काबिले तारीफ काम किया है इस भूमि और आश्रम की पम्मी ने। नंबर 12 पे है यू डोंट नो मी, जो 17 जून को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की गई। नंबर 11 पे है Amazon Prime की साउथ इंडियन हिंदी डब क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज शुजुअल द वॉर्टेक्स, जिसे 17 जून को Amazon Prime पे रिलीज किया गया, और इस सीरीज को इस साल की नंबर 1 सीरीज भी कहें तो गलत नहीं होगा, जिसका फर्स्ट हाफ तो कहानी को सेट करते हुए नॉर्मल सा लगता है, लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे ही राज खुलने शुरू होते हैं तो दिमाग घूम जाता है। तो कह सकते हैं कि असुर के बाद इस सीरीज का ही नाम आएगा क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज के अंदर। नंबर 10 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम ड्रामा हिंदी वेब सीरीज मासूम, जिसे भी 17 जून को ही रिलीज किया गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और बॉलीवुड वाले बोमन ईरानी इसमें मेन रोल में है, जिसकी कहानी तो स्लो पेस वाली है, जिसके हर एपिसोड में एक आध ट्विस्ट आता है जो हमें कहानी के साथ बांधे रखता है, लेकिन इस कहानी में मिस्ट्री इतनी कुछ खास भी नहीं है, जिसके बारे में फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाता है, लेकिन जैसे एक ही केस के कई एंगल निकल के सामने आते हैं वो काबिले तारीफ है इस कहानी में, इतनी बुरी भी नहीं है, वन टाइम वॉच है। नंबर 9 पे है मई मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई और 18 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई
हिंदी हॉरर कॉमेडी बॉलीवुड मूवी भूल भुलैया 2, जो एक मस्ट वॉच एंटरटेनमेंट मसाला मूवी है। कहानी बढ़िया है लेकिन कहीं कहीं लॉजिकलेस हो जाती है, बट हॉरर कॉमेडी है तो बिना लॉजिक की बातें तो होनी तय है। वैसे तो हॉरर ही अपने आप में लॉजिकलेस होता है, क्योंकि असल में तो किसी ने भूत को देखा नहीं होता, लेकिन कहानी इसकी पूरी लॉजिक वाली है, जिसमें बढ़िया कॉमेडी के साथ सारे कैरेक्टर्स की बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलती है। नंबर 8 पे है होइचोय की बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज महाभारत मर्डर्स, जिसे 19 जून के करीब हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन वैसे तो ओरिजिनल बंगाली में काफी टाइम पहले ही रिलीज हो गई थी, जो अभी एमएक्स प्लेयर पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की एक और सुपर हीरो सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 3, जिसे 22 जून को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किया गया, जिसका सीजन 2 लास्ट ईयर 2021 में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किया गया था, जिसकी कहानी कुछ बच्चों के साथ शुरू होती है जिनमें सुपर पावर्स होती है और उनको पूरी दुनिया के कोने कोने में से ढूंढ के अम्ब्रेला एकेडमी में दुनिया को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जो अब एक सुपर हीरो टीम बन चुकी है जिसमें बढ़िया एक्शन के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। नंबर 6 पे है मार्वल्स की एक सुपर हीरो मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, जो मई मंथ में थिएटर्स में रिलीज की गई थी और उसके करीब 1.5 महीने के बाद इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी और बाकी कई लैंग्वेजेस में भी रिलीज कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और भी कई सुपर हीरो करेक्टर्स के साथ मिलकर मल्टीवर्स की दुनिया में फंस जाता है, जिसके बारे में स्पाइडरमैन मूवी नो वे होम के एंड में दिखाया गया था। नंबर 5 पे है साउथ मूवी की बढ़िया रिमेक क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी मूवी फॉरेंसिक, जो रिमेक तो है लेकिन बढ़िया वाली, जिसे 24 जून को Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया, लेकिन खास बात है इसकी दमदार स्टार कास्ट, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने हैं विक्रांत मैसी और पुलिस ऑफिसर के रोल में है राधिका आप्टे, जो एक साथ मिलकर सीरियल किलिंग्स मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 4 पे है एक और रिमेक, लेकिन इस बार कोरियन वेब सीरीज, जो रिमेक है स्पेनिश ओरिजिनल एक्शन थ्रिलर हाइस्ट रोमांटिक मसाला वेब सीरीज द मनी हाइस्ट का कोरियन वर्जन, जिसे 24 जून को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया, लेकिन इस सीरीज को मिले जुले से रिव्यूज मिले। इस सीरीज के रिव्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ये क्वाइन के जैसे है, एक साइड से बहुत बढ़िया और दूसरी साइड से बिलो एवरेज। मेरा मतलब है कि अगर आपने ओरिजिनल स्पेनिश सीरीज मनी हाइस्ट के 5 सीजन देखे हैं तो ये सीरीज आपके लिए टाइम बर्बादी रहेगी, क्योंकि 90% कहानी सीन टू सीन सेम ही है और ऊपर से हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन कैरेक्टर्स के साथ इन कैरेक्टर्स को कंपेयर करने लगता है, जो इतने सेटिस्फाई नहीं करते। लेकिन इसकी कहानी में ओरिजिनल मनी हाइस्ट के जो 5 सीजन में दिखाया गया था, इन्होंने एक सीजन में ही सारी की सारी कहानी को मर्ज कर दिया है। देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने 5 सीजन की कहानी को कट एंड एडिट करते हुए एक सीजन में ही बना दिया है, बट दूसरी साइड से जिसने ओरिजिनल मनी हाइस्ट नहीं देखी है उसके लिए ये सीरीज बहुत बढ़िया एंटरटेनर रहेगी, क्योंकि 40-45 घंटे की कहानी को नए वर्जन में एक ही सीजन में दिखाया गया है। नंबर 3 पे है सोनी लिव की हिंदी क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज का सीक्वल अवरोध का सीजन 2, जो भी 24 जून को ही सोनी लिव पे रिलीज की गई, लेकिन इस बार सीजन 1 जैसी बात नहीं रही और ऊपर से इसकी स्टार कास्ट भी एवरेज सी रही, जो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जैसे इसका सीजन 1 अमित साध की दमदार एक्टिंग के चलते एवरेज डायरेक्शन के साथ भी बढ़िया बन गई थी, लेकिन इस बार सीजन 2 को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला ऑडियंस की ओर से। नंबर 2 पे है अजय देवगन एंड अमिताभ बच्चन की रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड मूवी रनवे 34, जो कुछ दिन पहले ही अमेजोन पे ऑन डिमांड रिलीज कर दी गई थी और अभी 24 जून से अमेजोन पे ही बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी हॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट टॉम हैंक की मूवी सली से इंस्पायर्ड है, जिसको इंडियन स्टाइल में ट्विस्ट देते हुए पेश किया गया है। नंबर 1 पे है एक और बॉलीवुड कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस ड्रामा मूवी अनेक, जिसमें आयुष्मान खुराना नाम के लिए तो मेन रोल में है, लेकिन उसके कैरेक्टर का इस मूवी की कहानी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि इस मूवी की कहानी किसी एक दो कैरेक्टर पे मेन फोकस नहीं करती है, बल्कि कुछ घटनाओं की कहानी है जिनमें हर कैरेक्टर छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और इस मूवी को मिले हुए बुरे रिव्यूज के बावजूद भी मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई, जो मसाला मूवी नहीं है लेकिन सच्ची कहानियों वाली अंडररेटेड मूवी कह सकते हैं, जो कुछ इस तरह से ही निकल के सामने आती है। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप भी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और डेली अपडेट्स और कोई भी सवाल के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें, तभी आपकी जिंदगी सुकून भरी और खुशहाल बनेगी।